सभी का खबरगांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीजेपी 5 के 5 से बंगाल का चुनाव जीतने की तैयारी में है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के राज्य में अपने संगठन को 5 जोन में बांटा और 5 बड़े नेताओं को इसका इंचार्ज बना दिया है। इसके तहत सुनील देवधर हावड़ा हुगली मिदनापुर जोन को देखेंगे। विनोद तावड़े नाबादीप में चुनाव की तैयारी करेंगे। विनोद सोनकर बर्धमान और हरीश द्विवेदी को नॉर्थ बंगाल का जिम्मा दिया गया है। ये चारों बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को कोलकाता जोन का चुनाव प्रभारी बनाया गया। ये 5ों लोग नवम्बर आखिर तक चुनाव तैयारियों पर रिपोर्ट तैयार कर अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर शाकिब अल हसन को काली पूजा में शामिल होने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों से मिली जान से मारने की धमकियों के बाद उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को आड़े हाथ लिया है और उन पर निशाना साधा। कंगना ने लगातार कई ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि मंदिरों से इतना क्यों डरते हो, खुद की इबादत पर भरोसा नहीं। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मंगलवार को जैसलमेर के दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री चौधरी सुबह जैसलमेर के फतेहगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने केशरनाथ का मठ में पूजा अर्चना कर चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशियों से चर्चा करने के साथ ही आमजन से मत व समर्थन की अपील की। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले के नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी ने किसानों को कृषि बिल को लेकर जानकारी दी। देसुरी जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों ने जनसभाएं व मांगे वोट। देसुरी जिला परिषद वार्ड संख्या 16 के भाजपा प्रत्याशी संगीता मुकेश राजपुरोहित व समिति सदस्य वार्ड संख्या 3 से मानवेंद्र सिंह व वार्ड संख्या 6 के प्रत्याशी विक्रम सिंह इंद्रा ने आज देसुरी पंचायत समिति क्षेत्र में जनसभाएं की व आमजन से मांगे वोट। इस अवसर पर देसुरी नाडोल मंडल के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ जनसभाओं में हजारों की संख्या में ग्रामीण में भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। जनसभाओं में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह ने जिंदाबाद नारे लगाए। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर गांव से होकर गुजरने वाली कोठारी नदी में लाल काला पानी बहने से ग्रामीणों का पानी पीना भी दुश्वार हो गया। इससे गांव के सभी कुओं, बोरवेल और हैडपंप का पानी भी खराब हो गया, जिसकी शिकायत तहसीलदार और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को की गई, जिसने जांच करके नदी में दूषित पानी डालने वाले एक सर्विस सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार भीलवाड़ा गोपाल जीनगर ने कहा कि सवाईपुर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज करवाई कि कोठारी नदी में लाल और काला पानी बह रहा है, जिसके कारण उनके घरों में नलों और कुओं का पानी भी दूषित हो गया। बांसुर क्षेत्र के गांव कोहरी में बालाजी क्लब के नेतृत्व में प्रथम कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में बालाजी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल वेलफेयर टीम प्रथम स्थान पर रही। प्रथम स्थान पर रही टीम को आयोजकों द्वारा स्मृति चिन्ह व 5100 रुपए भेंट कर सम्मान किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के प्रथम बार भीलवाड़ा आगमन पर पूर्व युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष राघव कोठारी के नेतृत्व में अंसल चौराहे पर जोरदार पुष्प वर्षा व जयकारों के साथ लिया स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने सभी युवा साथियों को धन्यवाद देते हुए कहा
कि आने वाले चुनावों में युवा मोर्चा प्रमुख भूमिका निर्वाहन करेगा, तो युवा जोश के साथ सभी युवा साथी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा पहली बार भीलवाड़ा के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। शर्मा का भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, जिसमें आगामी चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने का प्रण भी दिलाया। आगामी नगरपालिका चुनावों की तैयारियों को लेकर सोमवार को बगरू में भाजपा पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता व बगरू पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों को लेकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया एवं एकजुट होकर चुनाव तैयारियां करने सहित विभिन्न आवश्यक निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्रियों व विधायकों ने कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व बेटे मनोज ने पिता को मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि सोमवार को गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में मेघवाल का निधन हो गया। वहीं मंत्री मेघवाल की अंतिम यात्रा सुजानगढ़ स्थित उनके निवास जयनिवास से निकाली गई। एसपी श्री कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में फरार अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर थाना अधिकारी प्रभु दयाल व उनकी टीम ने एनडीपीएस एक्ट में पुलिस नाकाबंदी को देखकर फरार हुए। आरोपी श्री कैलाश पुत्र दयाल राम जाट उम्र 35 साल निवासी कुचेरा थाना कुचेरा जिला नागौर को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस थाना मदनगंज जिला अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप द्वारा चोरी के आरोपियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पार्थ शर्मा डीवाईएसपी के निर्देशानुसार थानाधिकारी राजवीर सिंह ने अपनी टीम के थाना क्षेत्र में 18 फरवरी की रात्रि को हाउसिंग बोर्ड स्थित सूने मकान में से घरेलू सामान फ्रिज कूलर गैस सिलेंडर गैस चूल्हा एलईडी टीवी नकदी एवं जेवरात चोरी करने से संबंधित थाना मदनगंज पर प्रकरण दर्ज हुआ था। फरार अभियुक्त गणों की मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर गठित टीम द्वारा अथक प्रयास से मुलजिमान मुकेश उम्र 29 साल निवासी सरवाड़ थाना सोजत जिला पाली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।